बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में चमकी बुखार AES से बच्चों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक इस भयानक बीमारी की चपेट में आकर 107 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस बीच प्रदेश में बढ़ती गर्मी, बच्चों के पोषण से जुड़ी योजनाओं की नाकामी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बीमारी से निपटने के इंतजाम नहीं होने की वजह से भी मौतों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अस्पताल में भर्ती बच्चों का हाल जानने मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं। कुपोषण की वजह से ज़्यादा मौतें क्यों हो रही हैं, आइए बताते हैं। चमकी बुखार से जिन बच्चों की मौत हुई है उनमें से ज़्यादातर महादलित समुदाय से आते हैं। इसमें मुसहर और दलित जातियां शामिल हैं। ज़्यादातर बच्चे कुपोषण का शिकार थे। इस बीच बीमारी का दायरा बढ़ता जा रहा है। पड़ोसी पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी से भी चमकी बुखार के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में वैशाली के 2 ब्लॉक में भी कुछ संदिग्ध मामले देखे गए थे। चलिए बताते हैं सरकार व प्रशासन की तरफ से कहां कमी है। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, आवश्यक दवाओं का उपलब्ध न होना, बेड और नर्सिंग स्टाफ की कमी से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। SKMCH समेत राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पताल इस दिक्कत से जूझ रहे हैं। SKMCH के सुप्रीडेंट डॉक्टर SK सहानी का कहना है कि AES के मरीजों के इलाज के लिए विभाग को अब तक कोई अतिरिक्त फंड नहीं मुहैया कराया गया है। वह कहते हैं मरीजों की बाढ़ से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। रविवार को अस्पताल का दौरा करने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा था कि बाल रोग विभाग के लिए 100 बेड वाली नई बिल्डिंग का जल्द निर्माण होगा। अभी यह देखना है कि ये निर्माण वाकई होगा या सिर्फ ख्वाब में ही रहेगा। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।